नंबर सिक्स देखिए, कह रहा है कि तीन सिक्के को एक साथ 30 बार उछाला गया है, प्रत्येक बार चित आने की संख्या यहाँ पे दी गई है। ऊपर दिए गए आंकड़ों के लिए इस एक बारंबारता सारणी बनाइए। चलिए देखते हैं कितना कितना बार यहाँ पे हेड आया है। ठीक है, प्रत्येक बार चित आने की हेड आने की संख्या यहाँ पे निम्न दी गई है। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग इसके लिए बारंबारता बंटन सारणी बनाने के लिए कह रहा है। चलो भाई, इसका बारंबारता बंटन सारणी बना देते हैं। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं हेड कितना कितना बार ये आया है, यही दिया है ना जी, चित चित आने की संख्या, और फिर यहाँ पे लिखते हैं बारंबारता उसकी। तो चित कितना कितना बार इसमें दिख रहा है, जीरो दिख रहा है, 0 बार, 1 बार, 2 बार और 3 बार, यही ना दिया हुआ है, 4 तो है नहीं इसमें। चलिए यही है। चलिए तो आप देख लो जीरो कितना बार हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमें यहाँ पे बारंबारता बंटन सारणी बनानी है, वर्गीकृत बारंबारता सारणी नहीं बनानी, तो बारंबारता सारणी इसी तरह ना बनती है। चलिए अब एक देखो कितना बार है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10। अब देखिए यहाँ पर देखिए, दो देखिए, 2 बार कितना चित कितना बार 2 बार कब कब आया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। चलिए अब तीन तीन बार हेड आने वाला देखते हैं हम लोग, तो कितना बार हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5। चलिए यहाँ पे कुल कर लेते हैं, कुल इसको जोड़ दोगे 30 आ जाएगा। तो यही हमें बस निकालना था, बारंबारता बंटन सारणी बनानी थी, हमने बना दी। क्वेश्चन